और दोस्तों जैसे कि हमारे आरी भाई ने हमारे शहर मुरादाबाद का जो नाम रोशन किया है, तमाम लोग बीच बीच में आपको सम्मानित कर रहे हैं और आपका खैर मकदम कर रहे हैं, उसी में से एक नाम है मोहम्मद फहीम साहब का। जोरदार तालियां दोस्तों मोहम्मद फहीम साहब के लिए, आपका स्वागत सेकंड प्राइज यूपी परवास में आपको जीतने के लिए। जोरदार तालियां हमारे आरिफ भाई का, जोरदार तालियां बाबू भाई, बाबू भाई दोस्तों यूपी परवास में आप सेकंड रहे थे और मुरादाबाद के अंदर आप फर्स्ट रहे थे। जोरदार तालियां, शाम तक जिस तरीके से आपके कबूतर बैठे थे लाइव, उन कबूतरों को मैं भी देख रहा था, बहुत अच्छी परवास आपने की थी हमारे आरिफ भाई। हाँ अब बता दो सर, बप्पर भाई, बप्पर भाई, बप्पन भाई मुरादाबाद वाले, हम है भी तो यार हाजी जी, इतने कुछ पूछो मती। बप्पन भाई, बप्पन भाई, बप्पन भाई सारा काम करेगा, जब तैयारी हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, जाएंगे नहीं पक्का। बप्पन भाई पूरा बढ़िया करा है, मुरादाबाद की कबूतर भाई टॉप पे है इस टाइम। अमन, अमन भाई आरिफ भाई का स्वागत करते हुए एक मिठाई का डिब्बा और ये 10,000 रुपए का हार डाला है हमारे। जोरदार तालियां दोस्तों 10,000 रुपए के हार के लिए हमारे ये भाई के। ये रुपयों की सौदा नहीं है भाई साहब, रुपयों का दिल नहीं है, इंसान का एक दिल देखा जाता है, उसका सम्मान देखा जाता है, वो क्या कर रहा है जवाब नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी आपका सम्मान कर रहा है दोस्तों। अली आपका नाम है, सुहेल साहब हमारे आरिफ भाई का सम्मान करते हुए। भोरे भाई आरिफ भाई का सम्मान करते हुए। दोस्तों तालियों की कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज, या प्रिंस भाई तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है तालियों की, तुम्हारे ग्रुप की कभी आवाज नहीं आ रही है। हाजी फारूक साहब हमारे आरिफ भाई को सम्मानित करते हुए। हाजी फारूक साहब हमारे आरिफ भाई को सम्मानित करते हुए। नाजिम भाई, मोहम्मद नाजिम साहब, मोहम्मद नाजिम साहब आरिफ भाई को सम्मानित करते हुए। शकील भाई, शकील भाई, शकील भाई सुहेल भाई आरिफ भाई को सम्मानित करते हुए। सुहेल भाई आरिफ भाई हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, मिठाई के डिब्बे बांट दे रहे हैं। वसीम भाई, बोना बोना भाई, वसीम भाई यार हार कहाँ है, क्या रहे मिठाई बहुत महंगी है। रफीक भाई मिठाई से सम्मानित करते हुए हमारे आरिफ भाई को। अजीम भाई एक 5 किलो की मिठाई का डिब्बा देते हुए। बब्बन भाई पुलिस तशरीफ लाए, बब्बन भाई अरमान अली, बब्बन भाई तशरीफ लाए, आपका स्वागत करेंगे आरिफ भाई, आपका स्वागत करेंगे आरिफ भाई। अरे हाँ यार आरिफ भाई से करवा दो, किसी को मत ले जाओ फटाफट। अख्तर भाई तशरीफ ले आए। अबे वो यार है तो चले भी गए, देखे यार वो कौन। स्वागत अब सबका करेंगे हमारे आरिफ भाई, बहुत हो गया। अरे वो कुछ और झाड़ है यार, वो कुछ और झाड़ है और सिर्फ आपके लिए बचाए हुए। अमीरुद्दीन चौधरी साहब बस आखिरी लम्हों से ये प्रोग्राम गुजरता हुआ, आप महफिल के रौनक है सर। उस्ताद चौहान साहब आप जब आप डाइस पे नहीं होंगे, डाइस पे खाली नजर आएगा प्लीज।
चांदा प्लीज तशरीफ ले आवे, थोड़ी देर का प्रभाव में बचा है। उस्ताद मुकुल कुमार साहब, कौन से? हसनपुर वाले, और आपका स्वागत करेंगे हमारे आरिफ भाई। तो मेरा स्वागत करो, मेरा मुझे करवाओ, मुझे करवाओ, अनाउंसमेंट करो। किसका? ये आप ही रहेगा। अच्छा, कौन आ गए? हाँ, कौन भाई? मुगल ये आप जो हो गए, आप उस्ताद अमीरुद्दीन साहब। उस्ताद अमीरुद्दीन साहब, आरिफ भाई स्वागत करेंगे उस्ताद अमीरुद्दीन साहब का। उस्ताद मुगल साहब, मुगल कुमार साहब प्लीज, मुगल कुमार साहब तशरीफ ले आए। मुगल कुमार साहब, बस आखिरी लम्हों से ये प्रोग्राम गुजरता हुआ। ले मुगल कुमार नहीं, मकसूद उस्ताद, मकसूद उस्ताद, मकसूद उस्ताद हसनपुर वाले, मकसूद उस्ताद हसनपुर वाले तशरीफ ले आए। जवान रहे तो क्या कर सकते, मकसूद उस्ताद, मकसूद उस्ताद हसनपुर वाले तशरीफ ले आए। चलो आपका अख्तर भाई, अख्तर हुसैन साहब तशरीफ ले आए। अख्तर हुसैन साहब बाबर भाई के बड़े उस्ताद, वाली साहब, सॉरी वाली साहब, अख्तर साहब तशरीफ ले आए। अख्तर भाई, मुकुल और मकसूद आप, अख्तर भाई, मुकुल अख्तर भाई तशरीफ ले आए। अच्छा, मुकुल साहब तशरीफ ले आए। आरिफ भाई स्वागत कीजिए। अच्छा, स्वागत करते हैं बाबर, हाँ जी बाबर साहब, आरिफ भाई का स्वागत करते हैं। हो रही है आप, मैं अपना नाम आरिफ भाई से ले रहा हूँ। संजय जैन साहब, संजय जैन साहब मेरा, संजय साहब मेरा स्वागत नीरज उस्ताद जी से करवाइए थोड़ा सा। और एंकर हमारे शाहिद भाई बरेली से जो हैं, और इतनी देर से पूरे इस मंच को जो है सुशोभित कर रहे हैं अपने गानों से और अपने इस सुंदर एंकरिंग से, उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आइए। और आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ बड़े आदर के साथ हमारे नीरज महेश्वरी जी, उस्ताद नीरज महेश्वरी जी अलीगढ़ से, वो आए और आके हमारे शाहिद भाई को शॉल और माला पहना कर जो है उनका स्वागत करें पगड़ी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है शाहिद भाई, और देखिए पसीना आ गया आपको, बहुत मेहनत किया शाहिद भाई ने, तो जोरदार तालियां भाई, शाहिद भाई के तो कम से कम तालियां हो जाए। दोस्तों ये मेरे लिए कुछ नसीबी है, मैं इंसान मंद हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि एक ऐसे उस्ताद मुझे सम्मानित करे। सच माना तो यकीन माना तो मेरा आज दिल भर आया है, और जिसे कहते हैं कि आंखों में आंसू, तो यकीनन अगर आप लोग नहीं होते तो मेरी आंखों में आंसू होते, क्योंकि ऐसे उस्ताद मुझे सम्मानित कर रहा है, तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। मैं इतना बड़ा कबूतरबाज नहीं हूँ दोस्तों, जितने बड़े उस्ताद से मुझे सम्मानित किया जाता है। थैंक यू इंसान नवाजी, आप तमाम लोग उस्ताद की। आज की बात कल पे टलती है, शमाए उम्मीद भी अजीब शय है, रोज जलती है रोज बुझती है। अभी दो दिन पहले ही भाई शाहिद से मुलाकात थी, जोधपुर में ऐसे ही फंक्शन था, सारे कबूतर परवरी यहाँ पे ऊंचे आसमान वाले हैं, वहाँ पर भी ऊंचे आसमान में वाले थे हम, जबकि दिल्ली में आजकल नीचे आसमान पर थोड़ा सा उड़ते हैं। लेकिन आपको देखकर, आपका जज्बे को देखकर सलाम है, जिंदाबाद है आपकी कबूतरबाजी, आपका शहर जिंदाबाद है, जिंदाबाद है मुरादाबाद, और जिंदाबाद है उत्तर प्रदेश। साथियों, हम ऑल इंडिया जो हाई फ्लाइट का टूर्नामेंट भी कराते हैं, मैं आपको पता है नीटा भाई, हम लोग सभी मिलके आईपीए का आयोजन करते हैं, इसमें लो फ्लायर का भी ऑल इंडिया होता है और हाई फ्लायर का भी। तो इस बार जो हमने पहली बार जो सोचा है उसको मैं आप हाई फ्लायर वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि हाई फ्लायर हम इस बार क्वालिफाइंग राउंड के हिसाब से गर्मी का उड़ाना शुरू कर रहे हैं, उसमें पहली बार ऑल इंडिया में ये जो है हम करना चाहते हैं। और कुछ भाई हंस रहे हैं, मैं उससे कुछ अल्फाज गलत निकले तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी
पहला राउंड जो होगा वो जो भी लोकल नाजिम या स्टेट का नाजिम होगा उसके हिसाब से होगा, और जो फाइनल होगा हम 22 मई को करेंगे। उसमें 11 परिंदे उड़ेंगे, 10 परिंदों का समय होगा। ये प्लेटफार्म आईपीए आप लोगों को देखते हुए हमने फैसला किया कि इसमें 2 राउंड होने चाहिए। तो इसके लिए अभी हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें आपके मुरादाबाद से ही संजय जैन साहब को हमारी आईपीए कमेटी ने जिम्मेदारी दी है कि पूरे यूपी का कार्यभार वो अपनी कमेटी के सदस्यों के साथ करें। तो मुरादाबाद को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो हेड है संजय जैन साहब आपके क्षेत्र से हैं, आपके भाई हैं, उनको हमने सौंपा है। तो आप उनको सहयोग करें और पूरा उन पर भरोसा करें, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत अच्छे फनकार हैं, बहुत ही उस्ताद है और बहुत ही बढ़िया यहाँ कबूतर जो आप परवरी के एक से एक फनकार हैं। तो आपसे सबसे यही उम्मीद होगी कि 11 कबूतरों का सहयोग करें। और मैं संजय जैन साहब को बुलाऊंगा, लेकिन एक पहले मैं शेर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कोई खामियाँ हो तो माफ़ करना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े उस्ताद इस मामले के भी यहाँ खड़े हैं। उम्र के फूल भी सूखेंगे बिखर जाएंगे, उम्र के फूल भी सूखेंगे बिखर जाएंगे, कौन जाने इन हवाओं में किधर जाएंगे, तसव्वुर रात के तन्हाइयों में कहेंगे लम्हे जो आज आपके साथ गुजर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुरादाबाद। मैं संजय जैन साहब से कहूंगा कुछ शब्द। जैन साहब, मुरादाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुरादाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुरादाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सम्मान और जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये सम्मान और जिम्मेदारी पूरे शहर की है, मेरे साथ जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की है। तो मैं आशा करूंगा आप सभी का पूरा कोऑपरेशन और सहयोग मुझे रहेगा। इसके लिए मैं ऑल इंडिया दिल्ली सभी मित्रों का और जिन लोगों ने यहाँ ये व्यवस्थाएं की हैं उन सब का दिली मतलब अंदर की गहराइयों से बहुत 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 उनका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ, शुक्रिया। और हमारे बबलू भाई जी जो इस साल प्राइज जीते हैं मुरादाबाद में, जो मुरादाबाद का 101 का कपड़ा था उसमें आपका 3रा नंबर रहा था हमारे बबलू मेडिकल वालों का, और आपको सम्मानित करेंगे हमारे नईम क्लास वाले नईम भाई। नईम भाई सम्मानित करेंगे हमारे बबलू भाई को, ये ग्राम भी देखने में जो करना है दोस्तों। बंटी बाबू फ्री तशरीफ लाए, बंटी बाबू मुरादाबाद के 101 कबूतरों का आपका सेकंड प्राइज रहा था। बंटी भाई तशरीफ बुला चुके हैं, बहुत शानदार आपके कबूतर मिले थे, आपको सम्मानित करते हुए हमारे आयु भाई को ट्रॉफी देते हुए बंटी भाई को। रविपाल, रविपाल साहब से जीत गया है, आपका रविपाल साहब आ गए तशरीफ लाते हैं। 51 कबूतरों में रविपाल साहब का सेकंड प्राइज लगा था, सम्मानित करते हुए आज भाई रविपाल साहब, रविपाल तशरीफ लाए, रविपाल साहब को सम्मानित करते हुए हमारे आरिफ भाई सेकंड प्राइज रविपाल साहब का लगा था। बहुत ज्यादा हो गया अमित मसी, अमित मसी ये इनका क्या हुआ, अमित मसी साहब, अमित मसी, अमित मसी साहब इनका थर्ड प्राइज था, 51 कबूतरों का मसी साहब था, देखिए ये मसी साहब आ गए, 51 कबूतरों का थर्ड प्राइज मसी साहब। जुनैद साहब, जुनैद साहब तशरीफ ले आए, आप तनवीर साहब के शागिर्द हैं, जनाब जुनैद साहब
जुनैद साहब तशरीफ लाएं। जुनैद साहब प्लीज। तनवीर साहब के आप शागिर्द हैं, जुनैद साहब तशरीफ लाएं। जुनैद साहब और दोस्तों एक नाम हमारे बीच में आता है जो आज हमारे इस कबूतर परवाजी को दुनिया तक पहुंचाता है, हम सेंचुरी के तनवीर साहब के जुनैद नाम है वो। एक वो शख्स जिन्होंने इस मुरादाबाद की कबूतर बाजी में जो चार चार लगाए हैं उसके मालिक है नूरुल बद्र साहब। नूरुल बद्र साहब getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. भोरे भाई का स्वागत आप करेंगे उस्ताद मंसूर साहब। उस्ताद आगे आइए। जोरदार तालियां हमारे भोरे भाई के लिए, जोरदार तालियां दोस्तों। नवाब भाई को सम्मानित करेंगे आरिफ भाई, आरिफ भाई सम्मानित करेंगे हमारे नवाब भाई को। बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों जो चंद लम्हों में आप तक पहुंचेगी। चंद लम्हों में जोरदार तालियां नवाब भाई का हमारे। दोस्तों आज शहर मुरादाबाद को एक उस्ताद और मिलने वाला है, जोरदार तालियां उसके लिए दोस्तों। एक उस्ताद मुरादाबाद को आज और मिलने वाला है। नवाब भाई का स्वागत करते हुए हमारे आरिफ भाई, जोरदार तालियां दोस्तों। और दोस्तों एक रस्म वो जो जल्दी किसी को नहीं मिलती है और आज हमारे शहर मुरादाबाद को एक उस्ताद और मिलने जा रहा है। ये खिताब किसी और को नहीं हमारे आरिफ भाई को दिया जाता है। आप के उस्ताद आज अपनी पगड़ी हमारे आरिफ भाई को देंगे। उस्ताद जी की पगड़ी हमारे आरिफ भाई को। मैं सैयद मोहम्मद अलवा रिजवी तहसील पिसाटी जिला बदायूं का रहने वाला हूँ। सन 88 में आपके मुरादाबाद शहर का हाइडेट में सर्विस पर आया हूँ। 7-8 साल बाद फिर इन लोगों से फरमाया कबूतरबाजी करने, उसके बाद हसनपुर चला गया। तो एक शहर से शुरू बात करता हूँ। मैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहेंगे, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो और कबूतरबाजी के कबूतरों के मुताले एक राहत इंदौर साहब का शहर है। अंजाम उसके हाथ है, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए तनों से प्रकाश करके देख। और आपका कह रहा हूँ एक तस्वीर है, तस्वीरें तमाम वायरल होती है मोबाइल पर। कबूतरों का हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, कबूतरों के ऊपर तस्वीर को शेयर सुनिए। इसलिए मैं तेरी तस्वीर को कम अजीज
इसलिए मैं तेरी कश्मीर को रखता हूँ अजीज, इससे कुछ देर मेरी बात तो हो जाती है। ये कहता मैं इसी तस्वीर के जरिए लोग उससे हर लोग मुलाकात हो जाती है। लिहाजा अब इस चीजों का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, हम लोगों को नवाजा, टीम को नवाजा। अब ये मोहम्मद आरिफ साहब है, ये शागिर्द है, तो आज मैंने ये हक देता हूँ कि ये अपने शागिर्द बना सकते हैं, ये अपने शागिर्द बना सकते हैं। उस्तादी उस्तादी चलिए नकली पकड़े भी देता हूँ, ये सभी मैं अपने खुशी से दे रहा हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं। मोहम्मद आरिफ को दे रहा हूँ, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो आगे के समय में
मैं भी अपनी बहुत शुभकामनाएं आरिफ भाई को, उस्ताद आरिफ भाई को प्रेषित करता हूँ और इनके अच्छे से अच्छे कीर्तिमान हो, अच्छे बहुत संख्या के शागिर्द हों, बहुत 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 शुभकामनाएं। सभी मुरादाबाद के कंप्यूटर प्रोवाइडर को नमस्कार। और आज उसका आरिफ भाई उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, सब अच्छा रहा। और आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे यूपी में इस टाइम मुरादाबाद की कंप्यूटर वाइज सबसे टॉप है। 105 कंप्यूटर में 22 टीमें कंप्यूटर वाइज और इसका श्रेय जिसको भी जाता हो हमारे शहर मुफ्ती क्योंकि 105 कंप्यूटरों में 22 टीमें आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूरे उत्तर प्रदेश से जब हुई थी तो 35 टीमें आई थी और मुरादाबाद में 105 कप में 22 टीमों पूरी। तो ये इस टाइम मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में नहीं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की कबूतरबाजी हाई फ्लाई में नंबर वन पे है। और मैं एक बार कहूँगा कि आरिफ भाई ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए, ऊपर वाला इन्हें और इज्जत दे, अगली शायद इनका और मुकाम बढ़ा हो, यही हमारी ऊपर वाले से